आज हम लोग बात करेंगे डायरिया के बारे में। तो क्लासिफिकेशन ऑफ डायरिया क्या क्या है? एक्यूट वाटरी डायरिया, एक्यूट ब्लडी डायरिया और परसिस्टेंट डायरिया और डायरिया विद सीवियर माल न्यूट्रिशन। ये चार टाइप के डायरिया होते हैं। अब इनके इटियोलॉजिकल एजेंट्स की बात करें कि डायरिया के इटियोलॉजिकल एजेंट किन किन वजहों से एक्यूट डायरिया होता है, तो वायरस, वायरस कॉज है इसका, बैक्टीरिया कॉज है और अदर कॉजेज़ भी हैं। वायरस के कारण जैसे वायरस, रोटा वायरस, एडिनो वायरस, कैल्सी वायरस, कोरोना वायरस, नॉर्वा ग्रुप वायरसेस और एंटेरो वायरस, इन लोगों के वजह से एक्यूट डायरिया हो सकता है। रोटा वायरस इसमें से लीडिंग कॉज है सीवियर डिहाइड्रेटिंग डायरिया का, जिस जो कि 5 साल से कम के बच्चों में होता है। रोटा वायरस रीइन्फेक्शन बहुत कॉमन है। बैक्टीरिया में बात करें तो बैक्टीरिया में कैंपाइलोबैक्टर जिजनाई, ईकोलाई, सिजेला, वी कोलेरा, वी पैरा हिमोलिटिकस, बेसिलस सीरियस और एंटेरोटॉक्सीजेनिक ईकोलाई, कैंपाइलोबैक्टर सल्मोनेला, इन बैक्टीरियाज के कारण एक्यूट डायरिया होता है। लाई जिसमें से हम लोग देखें तो ये होता है मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ट्रैवलर्स डायरिया, जिसमें ये प्रोड्यूस करता है हीट लेबाइल टॉक्सिन और हीट स्टेबल टॉक्सिन। कैंपाइलोबैक्टर ये कॉमनेस्ट कॉज है इंटराइटिस का, और साल्मोनेला ये इन्फ्लामेशन ऑफ बोवेल एपिथीलियम कर देता है। अब हम लोग बात करेंगे दूस और अदर कॉजेज के बारे में, तो ई हिस्टोलिटिका, इंटामीबा हिस्टोलिटिका, गियाडियस, गियाडिया इंटेस्टाइनालिस, ट्राइक्यूरियासिस, क्रिप्टोस्पोरियोडियम स्पीसीज, इंटेस्टाइनल वॉर्म्स और माल न्यूट्रिशन, इनके वजह से ये दूसरे कॉजेज हैं डायरिया के। माल न्यूट्रिशन में कोशियोरकर हो सकता है, स्प्रुई हो सकता है, सीलिएक डिजीज़ हो सकता है, पेलेग्रा, और ये सारे एसोसिएटेड होते हैं डायरिया से।